नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल से सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज बढ़ते हुए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज क्या कुछ स्थिति है, कितने आंकड़े बढ़े हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो रिपोर्ट मिली है, 2,97,535 कुल मामले हैं, कुल आंकड़े हैं। इनमें से एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1,41,842 जो रिपोर्ट है वो एक्टिव है। इनमें से 1,47,197 जो मामले हैं ये ठीक होकर लोग चले गए हैं, और इन्हीं में से 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जो सबसे हॉटस्पॉट केंद्र बना हुआ है हिंदुस्तान का, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 97,648 रिपोर्ट पूरे टोटल केस है। इनमें से 47,980 एक्टिव केसेस है, 46,078 केस जो है वो लोग ठीक होकर चले गए हैं, और 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 38,716 लोगों जो है वो टोटल केस है वहाँ पर, और 17,662 एक्टिव केस है, 20,705 ठीक हो चुके हैं और 349 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में 34,687 टोटल केस है। इनमें से एक्टिव केस है 20,871 और 12,731 जो है लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,087 मामले जो है उन लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो 9,768 टोटल कुल मामले हैं, और इनमें से 5,338 जो है एक्टिव केसेस है, 3,988 लोग ठीक हो चुके हैं और 442 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कुल मिलाकर 14 केस जो है वो फिलहाल है, और आज ही ये केस जो है वो आए हैं और पहले से भी मिला करके, और इनमें से जो है 12 एक्टिव केस है और 2 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे उत्तर बंगाल की स्थिति जो है वो क्या है। तो उत्तर बंगाल की अगर बात करें, लेकिन सबसे पहले अगर सिलीगुड़ी की बात करें, तो सिलीगुड़ी में आज कुल मिलाकर 7 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं। इनमें से अगर हम बात करें 17 नंबर वार्ड की, 26 नंबर वार्ड की, 40, 44 और 45 नंबर वार्ड की, तो यहाँ से एक एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, और 46 नंबर वार्ड के पोकाईजोत और चंपासारी इलाके से जो एक एक रिपोर्ट है ये भी सामने आई हुई है। अब हम बात करते हैं अगर जलपाईगुड़ी की बात करें, तो जलपाईगुड़ी में भी आज 15 मामले जो है वो सामने आए हैं, लेकिन खुशी की खबर एक तरफ यह भी है कि 208 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। और जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल से अगर मैनागुड़ी से अगर हम बात करें, वहाँ के एक चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी सब 20 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। मालदा में एक प्रवासी मजदूर की अगर हम बात करें, इन दिनों बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, अपने घर वापसी का दौर लगा है, लेकिन जब वो वापस आए तो उनका स्वाब टेस्ट हुआ और उसके 11 दिन के बाद जो है एक मजदूर की रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई हुई है, जिससे इलाके में पूरी हलचल मची हुई है। उत्तर दिनाजपुर में आज स्कूल छात्र और एक युवक के बाद आज ई रिक्शा चालक जो है वो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और कालिंगपोंग से 4 रिपोर्ट जो है वो सामने आई हुई है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज 2 शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है, और क्यों किया गया है हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षिका ने पढ़ाया यू फॉर अगली, अश्वेत को बताया कुरूप। नस्ल भेद पर बवाल के बाद सरकार ने 2 शिक्षिकाओं को किया निलंबित। शिक्षक जो भी शिक्षा देते हैं, बच्चे उसे अपने जीवन में उतारते हैं और उनके अंदर भी इसी प्रकार की भावना जागृत होती है, इसलिए शिक्षक छात्रों को अच्छी बातें सिखाते हैं। पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2 शिक्षिकाओं की करतूत ने शिक्षकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन दोनों शिक्षिकाओं पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को जो शिक्षा दी है वो रंगभेद नियम का उल्लंघन है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी वर्धमान जिले में 2 शिक्षिकाओं को प्री प्राइमरी के छात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला की पुस्तक में सांवले रंग के लोगों के लिए अपमानजनक हिस्से को पढ़ाने के आरोप में निलंबित कर दिया। वर्धमान के गर्ल्स स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल की किताब में अश्वेत को कुरूप बताया गया है। इसमें
अल्फाबेट के चैप्टर में यू की पहचान के लिए एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें एक अश्वेत व्यक्ति को दिखाया गया है। इसके साथ लिखा गया है यू फॉर अगली यानी कुरूप। इस बार अभिभावकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि सिक्किम में जो 14 रिपोर्ट आज पॉजिटिव आए हुए हैं, सिक्किम से जो 14 मामले सामने आए हैं, वहां की स्थिति हम आपको दिखाते फिलहाल। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपने वृहद स्तर पर पहुंच चुका है एवं देश के सारे राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमण र दर्शकबिन तपाईले देख्नु भयो यो मिलन क्लब अनि क्लबकै अब तपाईको प्रयासमा यतिका दिनसम्म जुन प्रकारको होम क्वारेन्टाइन गरेर सकम कम्युनिटी क्वारेन्टाइन। कोरोना भाइरसका संक्रमण देशमै अपने वृहत स्तर पर पहुंच चुका है एवं देश के सारे राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमित एवं वायरस के साथ जंग जीत कर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 1,00,000 को पार कर गई है। इस बीच एक बार फिर से पहाड़ी राज्य सिक्किम में 14 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है। उक्त पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि 14 मरीजों में से 11 महिला मरीज शामिल है और 3 पुरुष शामिल है। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है या यूं कहे उनकी यात्रा इतिहास सभी की रही है। कुछ दिनों पहले वे अपने गृह राज्य पहुंचे थे एवं उन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। 12 लोग मुंबई से और 2 लोग पश्चिम बंगाल से अपने गृह राज्य पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में 2 वर्ष 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार 9 संक्रमित मरीज बाहर स्कूल रानीपुल में क्वारंटाइन सेंटर में थे, 3 संक्रमित मरीज एपी के गार्डन क्वारंटाइन सेंटर में थे और 2 मरीज पीएनजी स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की तत्परता में सभी 14 मरीजों को गैंगटोक के एसटीएनएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि तीनों फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटरों को सरकार के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपने तो अब हम बढ़ते हुए आपको सीधा कालिम्पोंग की तरफ ले चलते हैं और वहां से हमारे संवाददाता रतन गुरुंग की आज की एक रिपोर्ट दिखाते हैं अनलॉक डे 12 की। वहां पर कैसी स्थिति है फिलहाल और क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। दर्शकबिन तपाईले देख्नु भयो यो मिलन क्लब अनि क्लबकै अब तपाईको प्रयासमा यतिका दिनसम्म जुन प्रकारको होम क्वारेन्टाइन गरेर सकम कम्युनिटी क्वारेन्टाइन गरेर जुन राखिएको थियो उनीहरूको फर्स्ट ब्याचलाई आज यहाँबाट सकुशल उनीहरूलाई घर पठाउने काम गरियो भनेदेखिको अहिले पनि यहाँनिर 9 जना जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरू अहिले पनि छन् र यो आजको तारिकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अनि त्यसको खतरा त्यसको भय एकातिर छ भनेदेखिको आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो एउटा समस्या भएको छ। जति पनि घर फर्केर आएका हाम्रा भाइ बहिनी भनौँ जति पनि कामदारहरू छन् उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ र उनीहरूलाई आश्रय दिने यो सबैभन्दा ठुलो तपाईँको एउटा समस्या भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा आजको तारिकमा आफ्नै घर पनि जो पनि फर्केर आइरहेका छन् आफ्नै घरमा पनि जानु नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। कहीँ कतै आफ्नै घर परिवारको तपाईँको एक हिसाबको असहयोगिता कहीँ कतै तपाईँको विशेष गरी सामाजिक एक प्रकारको भेदभाव भनौँ सामाजिक हीनता बोधको त्यो एउटा मार झेलिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई अब कहाँ राख्ने उहाँलाई सरकारी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा जग्गा उनीहरूलाई माने दिँदैन त उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भनेर भन्दाखेरि जुन प्रकारको गाउँ समाजहरू आजको दिनमा जागरूक भएर यस्ता हाम्रा गाउँकै जो एसेटहरू छन् जसले विभिन्न हन्डर खपेर आएका छन् विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको महामारीमा बितेको 3.5 महिनादेखिको जुन प्रकारको उनीहरूलाई रसद पानी खानु पिउनु बस्नुको जुन एउटा ठुलो समस्या भएको थियो त्योभन्दा समस्या हाम्रो जुन यो अनुहार छ जसलाई हामीलाई कोरोना भनेर जुन प्रकारको एउटा तपाईँको खिल्ली उडाइन्थ्यो या त सामाजिक तिरस्कार गरिन्थ्यो भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा विभिन्न महानगरहरूमा त्यस्तो एउटा सन्ताप खपेर आएका भाइ बहिनीहरूलाई जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् विद्यार्थी छन् या कामदारहरू छन् प्रोफेसनलहरू छन् उनीहरूलाई आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नै घरमा बस्नु पनि असुविधा भइसकेपछि अन्त्यमा गाउँ समाज नै जागरुक भएर उनीहरूलाई आश्रय दिने जुन
काम अहिले भइरहेछ। कालेबुङका पनि विभिन्न गाउँ समाजमा भइरहेछ। ती मध्ये कालेबुङको सात माइल स्थित यो मिलन क्लब जो छ, यो क्लब भवन हो, यो मिलन क्लबले एउटा सबैको निम्ति एउटा पाठ अनि एउटा उदाहरण कायम गरेको छ। हाम्रो आफ्नै समाजका केही यस्ता व्यक्तिहरू जसले व्यक्तिगत रूपमा यो त हाम्रो घरको हो, हाम्रो समाजको हो, हामीले के गर्नुपर्छ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अलि देऊ र आफ्नो यसमा के लेखेछ त्यो पनि पढेर दाजु अलिकति यताबाट लगाइदिनुहोस् न। क्वारेन्टाइन तपाईँ सक्नुभयो सक्सेसफुल्ली है, तपाईँको उयो भयो है, के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा कम्युनिटी एउटा क्वारेन्टाइनमा यहाँनिर है तपाईँको एउटा एभाइलेबल भएको थियो है, के भन्नुहुन्छ यहाँको गाउँ समाजलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद चलाउँदैछु, किनभने हामीलाई अब घरमा त्यस्तो राम्रो हुँदैन थियो होइन, सबैलाई डर हुन्थ्यो गाउँघरमा, तर यता अलग्गै राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ, सबै कुरो यो अभाइलेबल गरिदिनु भयो हामीलाई, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद चलाउँदैछु। र जो जोहरूले क्वारेन्टाइन आज उहाँले गर्नुभयो है, र यो उनीहरूको मानसिक शारीरिक उहाँ कुनै सिम्टम नभएर पनि तर मानसिक धेरै उहाँहरूले तनावमा थिए, किनभने पोजिटिभ हुने बित्तिकै एउटा फियर छ हामीलाई हो, यो एउटा पेन्डेमिकको फियर हुन्छ न, म हाम्रो नेपाली शब्द महामारी भनेर ठुलो शब्द लगाएको छ कि, ताकि यसले चाहिँ भयङ्कर ठुलो अब एउटा एपिडेमिकको रूप लिएको छ भनेर, र यो खालके उनीहरू साइकोलोजिकल मेन्टल स्ट्रेसमा पनि उनीहरू यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेर र उहाँहरूले जुन चाहिँ 14 दिनको दिन रात जुन चाहिँ उनीहरूले अब कसरी समयहरू बिताए, घरदेखि टाढो भएर कतिसँग कम्युनिकेसन नभएर एउटा फियरमा कि बा मेरोमा लक्षणहरू आउँछ कि बा म पो साह्रो हुन्छु कि बा मलाई सिलगढी लानुपर्छ कि, यो खालके उनीहरू त्यो पोजिटिभ हुने फियरमा बसेर पनि उहाँले जुन पाराले क्वारेन्टाइन बिताउनु भयो उहाँहरूलाई पनि मेरो म धेरै नै उहाँहरूलाई मनोबल बढाएर उहाँहरूको इन्सपिरेसन लिएर अरूहरूले पनि यो खालके फलो गरिदिने, यहाँ मात्रै होइन डल्लै कालिम्पोङमा डल्लै दार्जिलिङ हाम्रो भेगमा नै यो खालको फलो गरिदिने, र उहाँहरूलाई पनि म मेरोबाट बधाई दिन्छु उहाँले यसरी उहाँको क्वारेन्टाइन पिरियड उहाँले सक्नु भएको छ, र विशेष गरी यही 2-4 शब्द म राख्न चाहन्छु र यहाँ मञ्चबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनिसिएसन अफ एकता समाज, हाम्रो समाज, जनकल्याण समाज, मिलन क्लब, सयपत्री समाज, वेलफेयर डेभलपमेन्ट सोसाइटी, र यो यति समाजहरूले गरेर यो सर्टिफिकेट निकालेको छ। COVID-19 क्वारेन्टाइन सेन्टर 7 माइल कालिम्पोङ, दिस इज टु सर्टिफाई द्याट मिस्टर आमोस कार्की सन अफ उहाँको बाबु नाम लेखेको छैन रेसिडेन्ट अफ 7 माइल आवा घर हेज कम्प्लिटेड 14 डेज अफ क्वारेन्टाइन पिरियड स्टार्टिङ फ्रम 26/05/2020 to 11/06/2020 prescribed by the Department of Health and Family Welfare, Kalimpong District, under the supervision of Health Awareness Committee, 7th Mile. He has been regularly monitored by the Health Department, did not show any symptoms of novel coronavirus infection during this quarantine period. He is advised the following: to wear masks, regular hand washing, maintain social distancing. We wish him good health and prosperity, President, Secretary, Medical Officer, Banana. यो उहाँलाई यो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिएको छ। यो डिस्चार्ज हेर्नुहोस् है, यो खालको पेन्डेमिक विशेष गरी चाहिँ यो 7 माइल मिलन क्लब भवनमा चाहिँ हामीले हेल्थ अवेरनेस कमिटी जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 समाजहरूको एउटा अम्रेला कमिटी हो, टु बिगिन विथ हिटी हावाघर हाम्रो समाज,
जनकल्याण समाज, सयपत्री समाज, एकता समाज, वेलफेयर डेभलपमेन्ट सोसाइटी अनि मिलन क्लब मिलेर चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आउने हाम्रो भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूको निम्ति चाहिँ सबैजनाको चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिवारमा चाहिँ होम क्वारेन्टिनको सबै सुविस्ताहरू हेल्थ डिपार्टमेन्टले दिएको त्यो सबै नियम पालनहरूसँग ठिक ठिक गर्न नसक्ने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ कमन होम क्वारेन्टिनको यहाँनिर आफ्नै बलबुत्तामा समाज मिलेर गरेका हौँ। अनि हामीले धेरैचोटि भन्यौँ यो चाहिँ बाहिरको निम्ति होइन, यो भन्नेको मतलब चाहिँ हामी अरूको परवाह गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रोमा ठाउँ सानो छ अनि यहाँ होम क्वारेन्टाइनमा आउनुको निम्ति चाहिँ हामीसँग यहाँ अलरेडी 12 छ, त्यो बाहेक धेरै धेरैजना दे आर अन द वे, धेरैजनालाई हामीले एक दुई दिन पर्खिनुहोस् हामी यहाँ जग्गा तयार पार्छौँ खाली पार्छौँ भनेर कतिलाई रोकेर पनि राखेका छौँ। यो हामीले यो 5 समाज यो 7 माइल भेगको लागि मात्रै गरेका हौँ, ताकि हामीले यसरी जसरी आफ्नो समाजमा आफ्नो दायित्व बुझेर यो सुरु गरेका छौँ, यो एउटा अरूको निम्ति प्रेरणा पनि बनोस्, अरूको निम्ति सिख पनि बनोस्। किनभने आफ्नो आफ्नो जग्गामा तपाईँहरूको समाज भवनहरू, प्राथमिक पाठशालाहरू हुन्छ, या त तपाईँहरूले कुनै प्रकारले यसरी तपाईँहरूले पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। यो हामीले आफ्नो बलबुतामा आफ्नो समाजको निम्ति उनीहरूलाई यो महामारीको समयमा चाहिँ अलरेडी परदेशमा बसेर देश विदेशमा बसेर उनीहरूले यातना सहिसकेका छन्, घरि हामीलाई चाइनाको भन्छ, घरि नेपालको भन्छ, घरि कोरोना भन्छ, परदेशमा त्यत्रो दुःख सहेर सहेर पछि फर्केर आफ्नो घरमा आउँदा पनि आफ्नो गाउँले समाजले उनीहरूलाई स्वीकार नगर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ होला, त्यो उनीहरूलाई नहोस्, उनीहरूलाई हामी आफ्नो भनेर उनीहरूलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। उनीहरूलाई पनि यो कोरोनासँग लड्नको निम्ति तँ र म होइन तर हामी कसरी लड्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले यो खोलेका हौँ। यद्यपि हामीलाई यस क्वारेन्टाइन सेन्टरमा व्यक्तिगत रूपमा हाम्रै समाजका सदस्यहरू साथै पब्लिक हेल्थ अफिसर सदस्य डाक्टर साङ्गे जिम्बाको पनि परामर्श हामीले दिनहुँ लिइरहेका छौँ। आज विशेष गरी पहिलो ब्याच जो 28 मेदेखि यहाँ बसेका थिए उनीहरूको डिस्चार्ज थियो, उनीहरूको डिस्चार्जमा पनि सदस्य डाक्टरको बाहुलीबाट हामीले उहाँलाई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दियौँ। यसरी अब हामीसँग आउनेहरू अझ थुप्रै छ, यो महामारी छिटो सकिने होइन त्यो तपाईँहरू हामीलाई ज्ञान भएको कुरो हो। यसर्थ जबसम्म यो रहन्छ तबसम्म हामी समाज एक भएर लड्नेछौँ अनि यो कोरोनालाई हामी जितेर छाड्नेछौँ। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रूपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380। तो ये हम आपको दिखा रहे थे विभिन्न जगहों की स्थिति की कहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है अनलॉक डे 12 में। अब हम आपको ले चलते हैं अलीपुर द्वार की तरफ जहां पर 6 ठीक होकर वापस आए हैं। माफ कीजिएगा ये थोड़ी बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन रेगुलेटेड मार्केट की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि रेगुलेटेड मार्केट में वहाँ पर जब एक कोरोना संक्रमित पाए गए तो उसके बाद जो मछली बाजार है 7 के लिए बंद कर दिया गया है। एक थोक मंडी जो है वो है, लेकिन इसी के साथ अगर हम कहें कि बंगालियों के लिए मछली जो है वो काफ़ी एक लजीज भोजन होता है और बिना मछली के वो भात नहीं खाते, लेकिन हो सकता है कि आने वाले इन 7 के लिए बाजार में मछली की शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल हम रेगुलेटेड मार्केट की स्थिति आपको दिखाएंगे। सिलीगुड़ी का रेगुलेटेड मार्केट मछली बाजार आज से बंद, आगामी 7 तक के लिए बंद रखने का निर्णय दार्जिलिंग जिला शासक एस पुनबलम ने दी है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस की संख्या सिलीगुड़ी में काफी बढ़ती जा रही थी, वहीं चंपासरी संलग्न रेगुलेटेड मार्केट काफी बड़ा बाजार है। यहाँ पर सब्जी, फल व मछली के गद्दी है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमती है। वर्तमान समय में 2-3 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज का संपर्क रेगुलेटेड मार्केट से भी रहा है, जिसके बाद दार्जिलिंग के जिला शासक एस पुनबलम ने गुरुवार रात को ही एक नई निर्देशिका जारी की, जिसके तहत शुक्रवार सुबह से आगामी 7 तक के लिए रेगुलेटेड मार्केट के मछली बाजार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं से मार्केट बंद रखने के लिए काफी संख्या में प्रधान नगर थाने की पुलिस मौजूद है। जहां कभी 4 सुबह ही रेगुलेटेड मार्केट खुल जाया करता था, वहीं शुक्रवार सुबह से प्रधान नगर थाने की पुलिस पूरे मार्केट परिसर पर नजरदारी करने के लिए जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। वहीं आज
रेगुलेटेड मार्केट के मछली बाजार में पूरा सन्नाटा सुबह से ही। और इसी बीच हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप इस अनलॉक डे 12 को लेकर या फिर अनलॉक जो चल रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ लॉकडाउन को क्या एक्सटेंड होना चाहिए, तो और इस बीच आप क्या समझते हैं, कैसी स्थिति जो है अभी जो फिलहाल देखी जा रही है भीड़ भाड़ की स्थिति, क्या कुछ होना चाहिए, आप अपने विचारों को जो है साझा कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखकर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति आज क्या कुछ रही अनलॉक डे 12 में, ये हम आपको दिखाते हैं। और मैं खुद जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो उसकी भी कुछ स्थिति आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी के प्राण केंद्र कहे जाने वाले सफदर हासमी चौक यानी कि वेनस मोड़ पर, और हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व, हिंदुस्तान और सिलीगुड़ी भी इससे जूझ रही है कोरोना महामारी से। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि आज से अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो आज से लगभग 15 या 20 साल पहले की अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर उतनी गर्मी जो है वो नहीं पड़ती थी, वेदर हमेशा सामान्य रहता था। और हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी भी जो है 12 महीने एक साल तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा, और लोग हल्की फुल्की स्वेटर जो है वो भी पहनते हैं, यानी कि यहाँ का वेदर एक ऐसा सुहाना वेदर जो है वो और आपको कहीं शायद ना मिले। और अगर हम बात करें अस्तित्व की, तो प्रकृति जो है इस बीच लॉकडाउन जो एक 68 दिन का लगभग रहा और उससे ज़्यादा भी जो है उसे रह गया, यानी कि जब लॉकडाउन संपूर्ण रूप से था तो उस समय सभी वाहन जो है वो नहीं चल रही थी, दुकानें नहीं चल रही थी, लोग अपने अपने घरों पर थे, अपने परिवार के साथ कुछ समय जो है उनको देने का समय मिला था। लेकिन इसी बीच अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो वातावरण काफ़ी शुद्ध हो गया था, और जिस तरीके से वायु में ईंधन जो जलता है, जब बाइक हो या गाड़ी हो चाहे ऑटो हो चाहे कुछ भी हो, जब उनसे जो धुएं निकलते हैं तो वातावरण में वो घूमते रहते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो प्रकृति जो है वो अपने अस्तित्व में धीरे धीरे लौट रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी जो है वो एकदम पश्चिम बंगाल में ही नहीं, नॉर्थ बंगाल में भी जो है यहाँ का एक गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यहीं से होकर अन्य अगर देश की बात करें तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं। यहीं से सटे हुए जो है भूटान की अगर बात करें, नेपाल की बात करें, तो यहाँ से जो है वो सभी जाते हैं। और अगर डुअर्स इलाके की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ से लोग जो है वो जाते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर कम से कम अगर हम 40% लोगों की भी अगर बात करें तो एक पर्यटन के ऊपर जो है लोग यहाँ पर अपनी जीविका जो है वो चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन होने के वजह से सब कुछ बंद था और सारी व्यवस्था जो है वो चरमरा के रह गई थी। इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे घटती भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से खुली हुई है सब कुछ, अनलॉक डे 12 पे आज हम लोग आ पहुँचे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर अभी भी 30 जून के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन को। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन हो रही थी उसके मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो है सभी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टी गार्डन्स है, इसके संलग्न इलाकों पर टी गार्डन्स है, और पर्यटन एक बहुत बड़ी जो है यहाँ की देखी जाती है। लेकिन अभी सब कुछ ठप है, बंद है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ जो है वो सामान्य हो पा रहा है। फिलहाल हम हासमी चौक पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति वो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म होकर अनलॉक हो चुका है, अनलॉक डे 12 है। प्रकृति की बात करें तो आप प्रकृति देखिए, आसमान बहुत सुंदर सा जो आपको दिख रहा है। सुबह की अगर बात करें या फिर पहले की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते थे कि पहले धूप नहीं होती थी और वेदर बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अभी भी आप देखिए कुछ हद तक वैसी स्थिति देखी जा रही है। अगर सुबह से 10-11 बजे से बात करें, दोपहर के 3-4 बजे तक की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, और उसके बाद जो है अभी हल्की फुल्की रिमझिम रिमझिम बरसात होने लगती है, और शाम तक वेदर जो है
वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी प्रकृति जो है अपने अस्तित्व में लौट रही है, यानी कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। ये काफ़ी एक अच्छी पहल जो है ये लॉकडाउन होने की वजह से, ये कोरोना होने की वजह से ये हम देख सकते हैं। ये तो रही सिलीगुड़ी के हाशमी चौक की स्थिति, भीड़ भाड़ की स्थिति। लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जितना हो सके घर पर रहिए। ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिएगा। ये तो रही सफ्तर हाशमी चौक की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की सिलीगुड़ी में क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखाते हैं। और फिलहाल हम लोग आ पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के जिला अस्पताल में और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें डॉक्टर्स और नर्स की, तो 2400 घंटे की जो ड्यूटी है, एक कोरोना वॉरियर, सच में ये कोरोना वॉरियर ही है। और साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी कोरोना वॉरियर से कुछ कम नहीं है। क्योंकि जब हम सोते हैं या फिर जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पीछे से हमारी चिकित्सा, हमारी देखभाल, हमारी शहर की देखभाल जो है यही लोग करते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जिला अस्पताल की स्थिति। आप देख सकते हैं कि लोगों की हल्की फुल्की जो भीड़ भाड़ आप यहाँ पर देख के अनुभव कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर उतने तो लोग नहीं मान रहे हैं। जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी और यहाँ पर जो काम करते हैं वो लोग भी खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं और मास्क जो है उनके भी गलों पर लटक रही है, नाक पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी विभाग के सामने से हम ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और सब कुछ जो है अपने सामान्य तरीके से ही चल रहा है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो नहीं होनी चाहिए थी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही जो है कामकाज होना चाहिए था। हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के जिला अस्पताल की यह स्थिति। फिलहाल आप देख रहे हैं कि हल्के फुल्के जो लोग हैं अपने परिजनों को देखने के लिए, जिनकी चिकित्सा चल रही है यहाँ पर, वो लोग आए होंगे और बाकी भीड़ आपको ऐसे नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी सोशल डिस्टेंसिंग आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि ज़रूरत है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसी के तहत जो है सामाजिक दूरी को बनाए रखें, शारीरिक दूरी को बनाए रखें। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर बैठती हैं मंदिर के बाहर, वो भी बैठी हुई हैं। और फिलहाल माँ इच्छा कारीबारी के सामने की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी कोई सहायता की हाथ जो है यहाँ पर उनको नहीं देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है आगे की भी स्थिति हम आपको दिखाते चलते हैं। हालांकि फूल की दुकानें जो है वो पहले से भी खुली हुई थी, कुछ कुछ तक और अभी खुल गई हैं। फिलहाल बाबा जतिन पार्क के सामने से हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप उतनी तो भीड़ नहीं, लेकिन अच्छी खासी भीड़ हल्की फुल्की देख सकते हैं और लोगों ने मास्क भी नहीं पहना, ऐसी भी स्थिति जो है वो भी आप अनुभव कर सकते हैं। चाय की दुकानों पर भी आप देख सकते हैं हल्की फुल्की भीड़ जो है वो आप अनुभव कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे की स्थिति क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। गाड़ियों पे एक साथ कितने लोग जो है वो जा रहे हैं, इसकी स्थिति जो है ये भी आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ भाड़ आप इस बेकरी की दुकान पर देख सकते हैं। लोग जो है, हालांकि सभी को बेकरी की जो कुकीज़ बिस्किट होती है वो खाने को अच्छा लगता है, लेकिन हालांकि रस्सी से बांधा गया है फिर भी इस पर भीड़ भाड़ आप हल्की फुल्की जो है वो देख सकते हैं।
और अभी देख रहे हैं कि आप बूंदा बूंदी जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई है, बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के फिलहाल, और वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर आप देख सकते हैं कि ऊपर आसमान जो है एक तरफ बादल है, उनका फोटोज लीजिए ना, हल्की धूप देख सकते हैं, कहीं हल्की बादल देख सकते हैं, लेकिन झमाझम बरसात जो है वो अभी हो रही है। और इसी बीच हम फिलहाल मौजूद हैं गौरी शंकर मार्केट में, चलिए अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हमारे जो कैमरा पर्सन है उनकी भी स्क्रीनिंग हो चुकी है, अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं बाज़ार की, यहाँ की जो मार्केट है यहाँ की क्या स्थिति है। हालांकि उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप हल्की फुल्की भीड़ भाड़ अनुभव जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सब कुछ लॉकडाउन में बंद रहा और अभी जब मार्केट खुला है तो सभी लोग अपने अपने सामानों को लेकर के जा रहे हैं अपने व्यवसाय क्षेत्र पे। चलिए यहाँ के जो दुकानदार उनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाए। क्या नाम है आपका? कमल दास। आप यहीं पे व्यवसाय? हाँ। अच्छा, अभी जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, अभी बिजनेस फिर से रीओपन हुआ है आप लोगों का, तो कैसा चल रहा है? हाल तो बहुत खराब है, 1/3 बिजनेस हो रहा है। कितने बजे से कितने बजे? हम लोग का मार्केट का नियम है 9 बजे से 3 बजे तक, 5 बजे तक, अभी 5 बजे तक किया है, पहले 3 बजे तक है, अभी 5 बजे तक किया है लास्ट वीक से। टुटुलपाल। अभी कैसा बिजनेस चल रहा है? बिजनेस तो अभी ठीक नहीं है, बस चल रहा है ऐसे कुछ। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से फॉलो हो रही है? हम लोगों का जितना हो सकता है मेंटेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो बस। हाँ, गेट में भी सैनिटाइजर दे रहे हैं, टेम्परेचर को चेक करके ले रहे हैं, सब कस्टमर ऐसे, ज़्यादा कस्टमर एक साथ नहीं लेते, ऐसे कस्टमर भी कम ही है, इस हिसाब से ऐसे ही मेंटेन हो जा रहा है। और अभी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी राज्य सरकार ने इसे 30 जून तक के लिए बढ़ाया है इस लॉकडाउन को, आपको क्या लगता है इसको और एक्सटेंड होना चाहिए था या फिर किस तरीके से क्या होना तो चाहिए? बहुत कुछ, लेकिन इसमें होने से लोकल जो जनजीवन है वो स्लो हो जाएगा बहुत। अभी तो बहुत सबका हालत बहुत खराब है, तो सबका बहुत बहुत खराब है, अभी लॉकडाउन फिर से हो जाएगा तो और मुश्किल में आएगा। लेकिन एक तरह से होना भी चाहिए, लेकिन इतना प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी में कुछ भी नहीं था इतना, अभी बहुत ज़्यादा हो गया अभी। चलिए ये तो थी, इन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से क्या खोल रहे हैं, 9 बजे से 5 बजे तक खोल रहे हैं। अन्य दुकानदारों से जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, तो जानेंगे कि कैसी हाल जो है यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर एक दुकान पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओनर बैठे हुए, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार जायसवाल। कितने सालों से यहाँ पर दुकान पर? यहाँ 5 साल हो गया। 5 साल से। अभी तो सब कुछ लॉकडाउन होने के बाद फिर से रीओपन हुआ है, तो कैसा चल रहा है बाजार? बिजनेस तो बहुत डाउन है, बहुत मंदा चल रहा है। और जो पहाड़ के जो लोग आते थे खरीदारी के? अभी तो वो आ ही नहीं रहा, पहाड़ तो बंद है सारा ना, वो तो आ ही नहीं रहा है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी लॉकडाउन को और बढ़ना चाहिए था या फिर? वो तो हम लोग के हिसाब से तो लॉकडाउन बढ़ने ही नहीं चाहिए, जैसे है हिसाब से चलना चाहिए, अपना जो सैनिटाइज है, जो मास्क है लगा के चलना चाहिए। कितना दिन तक बंद करके खा पाएगा कि नहीं, फिर तो बिजनेस करेगा, नहीं तो खाएगा कहाँ से। आप बता रहे हैं विधान मार्केट बाजार की स्थिति हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं 4:45 बज रही है, और यहाँ की स्थिति विधान मार्केट में आप देख ही सकते हैं, उतनी भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं। दोपहर के अभी 3:45 हुए हैं, और यहाँ की स्थिति विधान मार्केट सब्जी बाज़ार और फल बाज़ार की स्थिति जो है वो आप तो देख सकते हैं।
इसी बीच हम आपको एक बार फिर से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी दर्शक इस बीच हमें देख रहे हैं और आप क्या सोचते हैं, इस लॉकडाउन को किस तरीके से और बढ़ाना चाहिए था, या फिर सब कुछ जो खुल चुका है, जिस तरीके से दुकानें खुल गई हैं, सभी वाहन चल रहे हैं, 100% वर्कर्स लेके जो लोग काम कर रहे हैं, क्या इसे कोरोना के संक्रमण आने वाले समय में और बढ़ेंगे या कमेंगे, क्या आप सोचते हैं, आपकी राय क्या है, ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख के बताइए, जिसे दूसरे तक आपकी जो सोच है वो पहुंच सके। फिलहाल हम आपको आगे बढ़ते हुए ले चलते हैं बीजनबारी की तरफ, जहां पर होम क्वारंटाइन पे जो लोग रह रहे थे उनको आज वहां से छुट्टी मिली हुई है और अपने जो घरों पर वो फिर से लौट गए हैं, तो क्या स्थिति है वहां की हम दिखाते हैं। टकभर भेल्ली अंतर्गत सोमचियाबारी तेस्रो विभाग में सेवन शर्मा को होम क्वारंटाइन को समय सीमा पूरा करे पछि जनसेवा संघ समाज को पक्ष बाट उनलाई आफ्नो परिवारलाई सोंपी दिएको छ। यसै क्रममा टकभर भेल्ली अंतर्गत आईसीडीएस साथै आशा कर्मीहरूले आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाएर कुनै सुविधा बिना क्वारंटाइनमा बस्नेहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आइरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारबाट कुनै सुविधाहरू प्रदान नभएको साथै पहल नगरिदिएकोले भोलिको दिनमा आईसीडीएस अनि आशा कर्मीका सदस्यलाई केही भए यसको जिम्मेवार कसले लिने हो, ठूलो चिन्ताजनक विषय बनेको छ। यस विषयमा उनीहरूले आफ्नो गुनासो पनि पोखेका छन्। जोइन भएको होला होइन, अहिलेसम्म हामीले अब के पनि पाएको छैन, एक रुपियाँ पनि पाएको छैन होइन, त्यो कुरा सबैलाई याद पनि छैन होइन। अब यस्तो भयो, अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू छ यतिजना होइन, हामी अब आफ्नो परिवारको सबैको माया उयो गरेर छोडेर चाहिँ हामी जानुपर्छ होइन, त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने उयो के अरे भनौँ अब मान्छेहरूसँग बातचित गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई एउटा फर्म भराउनुपर्छ, हामीलाई रिस्की छ होइन, त्यही कारणले हामीलाई चाहिँ अब केही इक्विपमेन्ट्सहरू पाएको छैन अहिलेसम्म, त्यो जसमा कि अब अरू जग्गातिर त्यो पिपी किटहरू दिइसकेको छ भन्दैछ, तर हाम्रो है यो भनौँ सोम भ्याली होइन, यता चाहिँ कुनै प्रकारको अब पाएको छैन, यसमा चाहिँ उयो छ। तो ये एक काफ़ी खुशी की खबर जो है, राहत भरी खबर थी। और ऐसी ही एक राहत भरी खबर हम आपको देते हैं अलीपुरद्वार से, जहां पर 6 लोग जो है वो ठीक होकर घर लौटे हुए हैं और वहां की स्थिति हम आपको दिखाएंगे अलीपुरद्वार की। जिंदगी की जंग जीत कर लौटे 6 कोरोना विजेता। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के 6 लोग कोरोना से जंग जीत कर अपने घर लौट गए। 5 दिन पहले पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन सभी को तापसी खाता कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के बाद सभी स्वस्थ होकर गुरुवार को घर लौट गए। इस अवसर पर कालचीनी ब्लॉक कार्यालय में इन सभी कोरोना विजेताओं को प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कालचीनी के बीडीओ भूषण शेरपा, अलीपुरद्वार जिला परिषद के मेंटर मोहन शर्मा, लातावाड़ी अस्पताल रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन असीम मजुमदार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे थे। किनभने गाउँको मान्छेले बुझ्दैन हो, अन्त मेरो प्यारेन्ट्सहरू यहाँ केन्द्रीय विद्यालय स्कुलमा छ, उनीहरूको टेस्ट भयो, रिपोर्ट आउँछ होइन, अब टाइम लाग्छ, तर मेरो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ हो गरेकै छैन। मेसेज दिँदैछ आजकै यही प्रोग्राम माध्यमले, सेटा हो कि कोरोनाके এই যুদ্ধে জয় হওয়া যায়, সেটা প্রমাণিত করেছে আমাদের প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, আমাদের সরকারি আধিকারিকরা, আমাদের হেলথে যারা আছে, সবাই মিলে যে অকথ প্রয়াস করেছে তার ফল কিন্তু আজকে আমরা পেয়েছি। আজকে যে 6 জনকে আমরা সুস্থ করে পাঠাতে পেরেছি, এটা আমাদের এটা করোনার উপর এটা আমরা জয় বলে মনে করি। এটাকে আমাদের প্রচার করতে হবে মানুষের মধ্যে, যে এটা ভয় পাওয়ার কিছু না, কিন্তু যে নিয়ম নীতি আছে, গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন আছে, ওটা মানলে পর এই করোনা থেকে জয়ী হওয়া যায় তারই প্রমাণ কিন্তু আজকে। পজিটিভ করে আজকে নেগেটিভ হয়ে বাড়ি ফিরছে, এটা মানে একটা কালজয়ীর জন্য একটা গর্ব। तो अभी हम आपको आगे बढ़ते हुए और जगहों की स्थिति दिखाते हैं। फिलहाल रायगंज की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर पहले से ही एक छात्र और एक युवक के बाद आज जो है एक ई रिक्शा चालक की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है, और वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है इसको लेकर वो वहां की हम आपको स्थिति दिखाते हैं। रायगंज शहर में एक विद्यालय की छात्र, एक युवक और टोटो चालक में कोरोना वायरस संक्रमण मिले हैं, जिससे फिर से जिले में आतंक फैल गया है। विशेषकर टोटो चालक में कोरोना के वायरस मिलने से लोग ज्यादा आतंकित हो उठे हैं, क्योंकि टोटो चालक से कई लोगों में संक्रमण फैला होगा। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद से जिले में अब तक कुल 221 संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 186 मरीज
ठीक होकर अपने घर। और ये हम आपको दिखा रहे थे कि फिलहाल उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की जो है रिपोर्ट अनलॉक डे 12 की क्या है, कैसी स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट में एक जाते जाते रिपोर्ट जो है वो हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आज ही सिलीगुड़ी के 42 नंबर वार्ड में एक गुई सांप नामक एक जो अदृश्य प्राणी जो है वो दिखा, और वहाँ की जो रिपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो गुई सांप नामक एक जो दिखा, हम उसे दिखाना चाहेंगे कि कैसे वो देखने में है और वहाँ पर स्थिति जो है वो कैसी हुई थी, वहाँ की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड पर मौजूद है और यहाँ के जो भूपेंद्र नगर इलाका है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विचित्र जो गुई सांप यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ के दृश्य, और इसको लेकर जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों में खलबली की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। और ये हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं यहाँ की स्थिति कि गुई सांप नाम जो है इसका बताया जा रहा है और एक जो है यहीं से पाया गया है और यहाँ के लोगों में इसको लेकर काफ़ी जो है हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौजूद है यहाँ पर, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भूपेंद्र नगर इलाके से जो है बहुत सारे लोग फिलहाल यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। हालांकि जो गुई सांप यहाँ पे जो स्थानीय लोग बता रहे हैं इसे देखने के लिए हो सकता है या फिर देखते हुए यहाँ पर घबराए हुए लोग जो है वो घबरा गए। जो आप लेंथ अगर हम बात करें लंबाई की तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3 फीट कहा जाए तो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे एक माहौल, कोरोना से भयभीत तो है ही, साथ ही इस तरीके से जो अदृश्य जो प्राणी दिख रहे हैं इसे भी यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो थोड़ी हलचल यहाँ पर मची हुई है, खलबली जो है वो यहाँ पर मची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद ये जख्मी हुए हैं, शायद इनको जब पकड़ के बांधा गया है इस पोल से जो है इलेक्ट्रिक का पोल से फिलहाल इसे बांध करके रखा गया, लेकिन इसके जो पंजे हैं उस पर आप देख सकते हैं हल्के फुल्के जख्म जो है वो आपको दिख रहे हैं, इसके जो नेल्स हैं उस पर थोड़े जख्म जो है वो आपको दिख रहे हैं। फिलहाल जो भक्ति नगर थाने की पुलिस जो है वो यहाँ पर आ पहुँची है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को फ़ोन कर दिया गया और बस कुछ ही क्षणों में जो है वो आएंगे और इस जो उक्त प्राणी है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं ये गुई सांप नामक, इसको लेके जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेकर के चले जाएंगे। और जो जख्म आपने हल्की फुल्की जो देखी है उस जख्म को भी ठीक करने के बाद हो सकता है फिर से इसको जंगलों में जो है वो छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी के 42 नंबर वार्ड की स्थिति की, वहां पर माफ कीजिएगा जो हमने एक वर्ड यूज किया था अदृश्य, यानी कि वो अदृश्य नहीं दिखने वाला ही है लेकिन आम तौर पर वो नहीं दिखता है, इसलिए वो वर्ड हमने यूज़ किया था, लेकिन आम तौर पर जो है वो नहीं देखा जाता है गुई सांप जो वहाँ के स्थानीय लोग उसे कह रहे थे। और ऐसी ही एक स्थिति जो है वो हमने आज आपको दिखाई 42 नंबर वार्ड से सिलीगुड़ी नगर निगम से। लेकिन एक बार फिर से जाते जाते हम आपको कोरोना अपडेट्स जो है वो हम आपको सिलीगुड़ी की एक बार दे दें कि सिलीगुड़ी के 7 आज इलाकों से 7 वार्डों से जो है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इनमें से 17 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, 40 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड, 45 नंबर वार्ड और 46 नंबर वार्ड के पोकाई ज्योत इलाके से एक और चंपासारी इलाके से एक रिपोर्ट, कुल मिलाकर 7 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। और ये हम आपको दिखा रहे थे आज उत्तर बंगाल से सिक्किम तक का अनलॉक डे 12 की स्थिति, कहां पर कैसी स्थिति जो है वो रही। और आप लगातार देखते रहिए एसके लाइव और तमाम अपडेट्स के लिए कहीं मत जाइएगा, बस देखते रहिए एसके लाइव।
100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380 95। हंड्रेड परसेंट आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380 95।